हेलो एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्नेक गेम सीरीज़ को। तो ये सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें कि हम बेसिक लेआउट को बिल्ड करेंगे, जो भी हमारा स्नेक गेम का लेआउट होगा। तो इस सीरीज़ में हम इस स्नेक गेम को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो मैं स्नेक गेम के इंट्रो के ऊपर एक पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे स्नेक गेम के अंदर होने क्या क्या वाला है। तो उसमें मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है कि इस स्नेक गेम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पर एक काउंटर ऐप मिलता है। तो मैं सबसे पहले इसमें से रिमूव कर लेता हूँ अपने होम स्क्रीन क्लास को, और यहाँ पर मैं एक स्टेटफुल विजेट बना लूँगा जिसको मैं नाम दूंगा होम स्क्रीन। और यहाँ पर हम इस माय होम पेज क्लास को होम स्क्रीन से रिप्लेस कर देंगे, होम स्क्रीन। और इसके बाद हम इस कंटेनर को रिप्लेस कर देंगे अपने स्कैफोल्ड से। जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो हमें यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन शो हो जाएगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर अपना लेआउट बिल्ड करना शुरू करना है। तो उसके लिए मैं स्कैफोल्ड की बॉडी में एक कॉलम पास कर दूंगा, और इस कॉलम में मैं एक चिल्ड्रन पास करूंगा। कॉलम के अंदर हमें पास करना है ग्रिड व्यू बिल्डर। तो अगर हमें कॉलम के अंदर कोई भी एक स्क्रॉल व्यू पास करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड विजेट का, और एक्सपेंडेड विजेट के अंदर हम उस विजेट को पास करते हैं जो भी वो स्क्रॉल व्यू हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा ग्रिड व्यू बिल्डर। तो ग्रिड व्यू बिल्डर में हमें दो रिक्वायर्ड पैरामीटर देखने को मिलते हैं, पहला है ग्रिड डेलीगेट, दूसरा है आइटम बिल्डर। तो ग्रिड डेलीगेट एक्सेप्ट करता है स्लीवर ग्रिड डेलीगेट, तो इसलिए हम यहाँ पर पास कर देंगे स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। तो अब ये भी एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है क्रॉस एक्सेस काउंट। तो इस क्रॉस एक्सेस काउंट से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे ग्रिड व्यू बिल्डर में हमें हॉरिजॉन्टली कितने एलिमेंट्स दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर 15 पास कर देता हूँ, और मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और आइटम बिल्डर में हमें यहाँ पर एक फंक्शन पास करना होगा जो कि विजेट रिटर्न करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन पास कर देता हूँ। तो इस फंक्शन में हमें यहाँ पर दो पैरामीटर्स मिलेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट करूँगा कॉन्टेक्स्ट से, और इंट को एक्सेप्ट करूँगा इंडेक्स से, क्योंकि वो जो इंट होगा वो हमें हर एक एलिमेंट का इंडेक्स ही रिटर्न कर रहा होगा। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा एक विजेट को। तो उस विजेट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टेटलेस क्लास बना लेता हूँ। तो इस स्टेटलेस क्लास का मैं नाम दे दूँगा बॉक्स, और ये जो बॉक्स रहेगा वो सिंपली एक कंटेनर रिटर्न कर रहा होगा। और इस कंटेनर में हम एक कलर पास कर देंगे जो कि होगा कलर्स डॉट वाइट। और अब यहाँ पे हम उस बॉक्स को कर देंगे रिटर्न। तो जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो हमें यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट है, और जो हमारे बॉक्स का कलर है वो भी वाइट है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड के बैकग्राउंड कलर को ब्लैक पास कर दूंगा। तो अब हमारा स्कैफोल्ड जो है वो तो ब्लैक हो चुका है, और जो हमारे बॉक्सेस थे उसका कलर वाइट है। तो अभी हमें बॉक्सेस के बीच में लाइन शो नहीं हो रही है। तो इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि हमें यहाँ पर दो पैरामीटर्स मिलते हैं, मेन एक्सिस स्पेसिंग और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होते हैं। तो मैं इन्हें ज़ीरो की जगह इनमें 2 पास कर दूंगा। तो अब जैसे ही मैं इन्हें करूँगा सेव, तो अब हमें यहाँ पर अपने एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग शो हो जाएगी। तो ये जो बॉक्स होने वाला है, इसी पे हमारा जो स्नेक होगा वो मूव करेगा, और इन्हीं बॉक्स के ऊपर हमारे फूड के पार्टिकल्स भी आएंगे। तो उन दोनों को शो करने के लिए मैं दो और स्टेटलेस विजेट बना लेता हूँ। तो एक मैं स्टेटलेस विजेट बनाऊँगा फूड को शो करने के लिए, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फूड। ये भी एक कंटेनर ही होगा, बस इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। तो मैं इसके कलर में पास कर देता हूँ कलर्स डॉट रेड। और यहाँ पर मैं एक और स्टेटलेस विजेट बना लेता हूँ जो कि होगा स्नेक को शो करने के लिए, तो मैं उसका नाम दे दूँगा स्नेक। ये भी एक कंटेनर ही रिटर्न करेगा, बस इसको हम कलर दे देंगे कलर्स डॉट ब्लू। जो हमारा स्नेक होगा वो ब्लू कलर का होगा। अब यहाँ पर अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर स्नेक और फूड बना लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस ग्रिड व्यू बिल्डर को एक आइटम काउंट दे दूंगा, तो मैं यहाँ पर एक आइटम काउंट पास कर दूंगा, और इसमें मैं पास कर दूंगा 330। तो जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो अब हमारे जो आइटम्स हैं वो लिमिटेड है,
यानी कि अब ये 330 आइटम्स है। अब जो ये बॉक्सेस होने वाले हैं, हम इसके इंडेक्स को पोजीशन की तरह यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मैं अभी आपको इन बॉक्स के इंडेक्स दिखाऊं, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर एक्सेप्ट कर लूँगा इंडेक्स नेम से, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा इस कंस्ट्रक्टर से, और मैं यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर इस इंडेक्स को शो कर दूँगा, और मैं यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट में पास कर दूँगा अलाइनमेंट डॉट सेंटर, जिससे कि हमें टेक्स्ट सेंटर में शो होगा। अब इसके बाद हमसे यहाँ पर ये इंडेक्स मांग रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर इंडेक्स पास कर देंगे, जो कि हमें ग्रेड व्यू बिल्डर से मिलेगा। तो जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो हमें यहाँ पर ये नंबर्स होना शुरू हो जाएंगे, जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होंगे 330 पर, यानी कि 329 पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे जो ये बॉक्स की पोजीशन है, ये 0, 1, 2, 3 ये ऐसे हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने फूड की और स्नेक की पोजीशन को प्लेस करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे दूँगा फूड पोजीशन। तो फूड पोजीशन में मैं यहाँ पर कुछ भी एक रैंडम नंबर पास कर देता हूँ 0 से 330 के बीच में। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 200। मैं इसे करता हूँ सेव। अब इसके बाद अगर हमें इस यूआई में फूड को दिखाना है, तो हमें इस आइटम बिल्डर में कुछ कंडीशन लगानी होगी। तो मैं इस बॉक्स को कर लेता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ, जिसमें मैं चेक करूँगा जो हमारी इंडेक्स है, जो हमें आइटम बिल्डर से इंडेक्स मिल रहा है, अगर इसकी वैल्यू फूड पोजिशन के इक्वल हो जाती है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फूड को, और एल्स में हम रिटर्न कर देंगे अपने वही एम्प्टी बॉक्स को। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा 200 है, इसकी जगह ये हमारा रेड बॉक्स आ जाएगा, जो कि हमारे ये फूड का बॉक्स था, और एल्स में हम वही सेम बॉक्स दिखाएंगे। जैसे ही हमने कंडीशन लगाई है फूड के लिए, तो इसी तरह से हमें स्नेक के लिए भी कंडीशन लगानी होगी। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा फूड है, ये तो एक बार में एक फूड शो होगा, पर जो हमारा स्नेक है उसकी लेंथ वेरिएबल होगी, यानी कि हमारा स्नेक 3 ब्लॉक्स भी ले सकता है, 4 ब्लॉक्स भी ले सकता है, या 10 ब्लॉक्स भी ले सकता है। तो उसके लिए हम सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें बनाना होगा लिस्ट ऑफ इंट, जिससे कि हम स्नेक की पोजीशन को स्टोर करा पाएंगे। तो इस लिस्ट को मैं नाम दे दूंगा स्नेक पोजीशन, और इसकी अभी तो इसकी इनिशियल वैल्यू को हम एम्प्टी रखेंगे। तो इसको इनिशियलाइज कराने के लिए मैं एक वॉइड फंक्शन बना लूँगा इनिशियलाइज स्नेक नेम से। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक फॉर लूप पास कर देंगे। अब इस फॉर लूप में मैं काउंट में पास कर दूंगा 3, क्योंकि मैं चाहता हूं जो हमारा स्नेक हो वो इनिशियली 3 ब्लॉक्स ही लंबा हो। तो अब मैं इस फॉर लूप के अंदर पास कर दूंगा स्नेक पोजिशन डॉट ऐड फंक्शन को। अब ऐड फंक्शन में हमें एक इंटीजर देना है, तो इंटीजर देने के लिए मैं यहाँ पास कर दूंगा आई। तो इससे क्या होगा, जो हमारा स्नेक पोजीशन है, इस लिस्ट के अंदर हमारी 3 इंटीजर वैल्यू ऐड होंगी, जो कि हो गया 0, 1 और 2। तो यानी कि अगर हम यूआई में उसको दिखाने जाएं, तो हमारा वो स्नेक यहाँ पर आएगा 0, 1, 2, ये 3 ब्लॉक हमारे ब्लू हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा इनिट स्टेट में, जिससे कि हमारी ये स्नेक स्टार्टिंग में इनिशलाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा इनिशलाइज स्नेक फंक्शन को। तो अब इसके बाद हमें यूआई में भी कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस इफ़ कंडीशन के बाद एक एल्स इफ कंडीशन लगा लूँगा, जिसमें मैं चेक करूँगा जो हमारी स्नेक पोजीशन है डॉट कंटेंस इंडेक्स। तो मतलब ये चेक कर रहा है कि जो हमारा स्नेक पोजीशन है, ये एक लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में हमें इंडेक्स मिल जाएगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रिटर्न करेंगे। तो अगर हमें स्नेक की पोजीशन में इंडेक्स मिल जाता है, तो हम वहाँ पर स्नेक ब्लॉक को रिटर्न कर देंगे। तो अभी हमारा स्नेक इनिशियलाइज्ड नहीं है, तो उसको इनिशियलाइज कराने के लिए हम इस ऐप को करेंगे हॉट रीस्टार्ट। तो यहाँ पर ऐप हॉट रीस्टार्ट हो गया है, और हमें यहाँ पर अपना स्नेक दिख रहा है, जो कि 3 ब्लॉक्स लंबा है। आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर 5 पास करोगे, तो हमारे स्नेक की जो लेंथ होगी वो 5 ब्लॉक्स होगी। तो मैं अभी के लिए ये जो हमारे नंबर्स हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर स्नेक गेम के लेआउट को बना लिया है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्नेक को मूव कैसे कराएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।